है व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले नीट 2022 के बारे में। किसके बारे में? नीट 2022 के सिलेबस के बारे में। इसके बारे में सिलेबस एंड पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ किसकी बात करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसकी सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर का तीन सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है फिजिक्स, सेकंड आता है केमिस्ट्री, थर्ड आता है बायोलॉजी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को विस्तार से लेके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंतर्गत यहाँ पर आपके 11th एंड 12th क्लास की आती है। फिजिक्स की आती है 11th एंड 12th क्लास। 11th एंड 12th क्लास की कम्प्लीट फिजिक्स आती है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए 11th 12th की फिजिक्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर एनसीईआरटी से जो काम नहीं चलने वाला, इसके लिए आपको अलग से न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके तीन भागों में बटा गया है। एक आता है ऑर्गेनिक, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक और तीसरा आता है फिजिकल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के अंदर आपके लिए नोट्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी 100% सफिशिएंट होती है, जबकि जो फिजिकल होती है उसके लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको नोट्स और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करना भी अनिवार्य होता है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता था अपने पास बायोलॉजी। कौन सा? बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत आपको 11th एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वो आपके लिए सफिशेंट होती है। यानी कि 90 क्वेश्चन आएंगे तो 90 में से 85 क्वेश्चन तो ओनली फॉर एनसीईआरटी लाइन से आते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता। तो ये तो अपनी बात है किसी सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं अपन कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो इसकी जो डेट दे रखी है एनटीए ने वो दे रखी है 17 जुलाई। तो ये एग्ज़ाम के 80% चांस है कि एग्ज़ाम 17 जुलाई को ही होगा, क्योंकि पहले भी कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा डिले हो चुके थे पहले के सेशन भी। इसलिए एनटीए चाहेगी कि इस शेड्यूल को तो वो टाइम पर ही करवा दें। इसलिए इस एग्ज़ाम की पोस्टपोन होने के चांस 60% तो है कि एग्ज़ाम 17 जुलाई को हो जाएगा, बाकी 40% चांस कि ये पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन होगा या नहीं होगा ये तो एनटीए के हाथ में ही है। तो ये बात की आज आपने, हमने किसके बारे में बात की, आज हमने बात की नीट 2022 के बारे में कि क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके, जिससे कि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।